सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री भाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, और इसके पिछले वीडियो में अपन ने एरिल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण की विधियां और एरिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके पार्ट 20 में, वीडियो नंबर 20 में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुणों को पढ़ना इस वीडियो से शुरू करेंगे। तो देखिए, जो एरिल हैलाइड हैं वो मुख्यतः चार प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग। जो एरिल हैलाइड में दो भाग है, एक तो हैलोजन परमाणु वाला भाग है और दूसरा बेंजीन वलय वाला भाग है, तो बेंजीन वलय पर होने वाली इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सेकेंड, रिएक्शंस विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। और चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाभिक ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए, एरिल हैलाइड मुख्यतः ये चार प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अब इनको अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार मैं इनको रिपीट कर दूं, आप नोट कर लें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग, रिएक्शंस विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब लेते हैं अभिक्रिया नंबर एक, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिएगा, अपन ने पिछले कुछ वीडियोस में भी ये पढ़ा था, लगभग दो या तीन बार पढ़ चुके हैं, कि एरिल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु बेंजीन से सीधा सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन परमाणु, जैसे मैं ले लेता हूँ हैलोजन परमाणु X के रूप में, और ये इस तरह से बेंजीन वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, हैलोजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मी अवस्था में आ जाता है, तो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इन अनुनादी संरचनाओं को आप विशेष तौर पर ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे। ये अनुनादी संरचनाएं सीधी भी पूछी जाती हैं, और इनके जो विभिन्न गुण हैं, विभिन्न रासायनिक गुण हैं, वो इन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा ही अपन समझ पाएंगे। इन अनुनादी संरचनाओं के द्वारा ही इनके जो रासायनिक गुण हैं वो प्रभावित होते हैं। तो देखिएगा कैसे, हैलोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इस तरह से बेंजीन वलय में प्रवेश करते हैं। इसे कहते हैं प्लस आर या प्लस एम प्रभाव, प्लस अनुनाद प्रभाव या प्लस मेसोमेरिक प्रभाव। तो क्या होगा, हैलोजन परमाणु और बेंजीन वलय के कार्बन के बीच में द्विबंध उत्पन्न हो गया और इस ऑर्थो स्थिति पर आ गया माइनस, और हैलोजन परमाणु से चूंकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, बेंजीन वलय की तरफ जा रहे हैं, तो हैलोजन परमाणु पे आ गया प्लस, ऑर्थो पे माइनस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पैरा पे जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी इस तरह की अनुनादी संरचना बन जाएगी। पैरा स्थिति पे आ गया माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन
दूसरी ऑर्थो स्थिति पे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहां माइनस आ जाएगा और फिर ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो डबल बॉन्ड बना था पहले, ये इलेक्ट्रॉन वापस हैलोजन पे चले गए। और ये संरचना प्राप्त हो गई। तो जो एरिल हैलाइड है उसमें इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें हैलोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर प्लस आर या प्लस एम प्रभाव के द्वारा बेंजीन वलय में प्रवेश करता है। इससे क्या हुआ, इससे देखिएगा, बेंजीन वलय के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, देखिए हुआ कि नहीं, या ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब अभिक्रिया कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो उस स्थान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च मिलता है। तो बेंजीन वलय के सभी कार्बनों में से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन्स नहीं इन स्थानों की तरफ आकर्षित होता है, मतलब बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आकर जुड़ता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को मैं थोड़ा सा यूँ एक सामान्य सी अभिक्रिया के रूप में मैं दर्शा दूँ, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस पर कैसा आवेश है, प्लस, इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और होगा क्या इसमें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ा और पैरा पे जुड़ा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे ऋणावेश है। निकला क्या, माइनस एच प्लस निकला, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ रहा है वहां से H प्लस निकला। तो देखिए प्लस जुड़ा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा, H प्लस निकला, तो H प्लस भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, निकला भी H प्लस है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं को प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पैरा स्थितियों पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। किस कारण से हुआ है, हैलोजन परमाणु के कारण हुआ है। तो इस हैलोजन परमाणु के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पैरा स्थितियों पर जुड़ रहा है, ये निर्देश दे रहा है कि आज इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पैरा पे जुड़ जा, क्योंकि वहां पे इसने ऋणावेश उत्पन्न कर दिया। तो जो हैलोजन परमाणु है वो क्या हो गया, हैलोजन परमाणु जो बेंजीन वाले पे जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी हो गया। किस अभिक्रिया के लिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ये ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी है। क्लियर ये सिचुएशन। दूसरा देखिएगा, हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता उच्च होती है, हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता कार्बन से उच्च होती है, कार्बन से उच्च होती है या ज्यादा होती है, तो क्या होगा कि ये जो हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ है ये इस सी एक्स बंद बेंजीन वलय के कार्बन और एक्स ये हैलोजन बंद के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनस आई प्रभाव के द्वारा किधर खींच लेगा, ये हैलोजन अपनी तरफ से अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस आई प्रभाव मतलब माइनस प्रेरण प्रभाव के द्वारा बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, क्यों, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। इससे क्या होगा, इससे बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व
कम हो जाता है। बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए दो प्रभाव हो गए, एक प्लस आर और प्लस एम प्रभाव के कारण तो ये बेंजीन वाले के ऑर्थो पैरा स्थितियों पर माइनस उत्पन्न कर रहा है, और दूसरा है ये माइनस आई प्रभाव के द्वारा बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस एरिल हैलाइड में जो हेलोजन है, हेलोजन उनके दोनों प्रभावों में से माइनस आई प्रभाव का मान प्लस आर प्रभाव से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस आई प्रभाव का मान प्लस आर प्रभाव से ज्यादा है हेलोजनों के लिए। तो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रभाव बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रभाव से ज्यादा है। तो क्या होगा, तो इसमें देखिएगा आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निश्चित रूप से ऑर्थो पैरा पे ही जुड़ता है, तो हेलोजन ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी हो गया, और हेलोजन परमाणु माइनस आई प्रभाव के कारण बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बेंजीन वाले की तरफ धीरे आकर्षित होगा, कम आकर्षित होगा। इसका मतलब इस हेलोजन परमाणु ने एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग कम कर दिया, इस अभिक्रिया को निष्क्रिय कर दिया। तो हेलोजन परमाणु क्या हो गया, निष्क्रियकारी हो गया, ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी और निष्क्रियकारी। तो हेलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, अगर एरिल हैलाइड में बात कर रहे हैं, तो ये हेलोजन परमाणु क्या हो गया, ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी और निष्क्रियकारी समूह हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसका देखिए लॉजिक है। अब अपन देखते हैं कुछ इसके उदाहरण, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए केमिस्ट्री का एक ही मूल मंत्र है कि अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा फंडामेंटल इसके क्लियर हो जाते हैं तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से जो आपको पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुने और लगातार पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। ऐसा नहीं कि कहीं बीच में से टॉपिक उठा लिया उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको कंटिन्यू, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शुरू से पढ़ना चालू करें और अंत तक पूरा पढ़ें। तो देखिए सम एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण ले रहे हैं। सबसे पहला जैसे क्लोरीनीकरण कर रहे हैं। तो देखिएगा मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन का और उसका क्लोरीनीकरण करूंगा, क्लोरोबेंजीन और उसका क्लोरीनीकरण कर रहे हैं। तो क्लोरीनीकरण करेंगे बेंजीन वाले पे तो Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जैसे मैंने लिया FeCl3 तो ये बनेगा Cl पे, Cl है वो ऑर्थो पे जुड़ सकता है और Cl पैरा पे भी जुड़ सकता है और माइनस HCl निकल जाएगा। तो ये है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और ये है इसमें पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब देखिए इसमें आक्रमणकारी स्पीसीज कौन सी हुई, तो जितने भी अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे उन सब में आपको ये पता होना चाहिए कि आक्रमणकारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या है इसमें। तो देखिए इसमें जो Cl और Cl है उसकी अभिक्रिया पहले इस लुईस अम्ल के साथ होती है, विषमांश विखंडन होता है इसमें, Cl-Cl के मध्य जो बंध है उसमें विषमांश विखंडन हुआ, तो एक तो बन गया Cl- जिसको FeCl3 ले जाएगा, FeCl4 बन जाएगा और ये हो गया माइनस, और एक बच गया Cl+, इसे कहते हैं क्लोरोनियम आयन।
अब इस क्लोरोनियम आयन पे प्लस है तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज हो गया। तो जो सी एल प्लस है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा तो यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा, पैरा पे जुड़ेगा तो यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा और वो एच प्लस एफ ई सी एल फोर माइनस में से सी एल माइनस को खींच लेगा और एच सी एल बना लेगा। तो हेलोजनीकरण मतलब क्लोरीनीकरण में क्या कर रहे हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन वाहक मतलब लुइस अम्ल के द्वारा अगर अपन की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो ऑर्थोडाइक्लोरो बेंजीन और पैराक्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन बनते हैं। ठीक है, दूसरा नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण की बात कर रहे हैं। नाइट्रीकरण देखिएगा, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं आप सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए क्या बनेगा, जो नाइट्रो समूह है वो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे जुड़ा, क्योंकि वो अपन ने पहले पढ़ा है कि Cl है वो ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी, इलेक्ट्रॉन्स ने ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ही जुड़ेगा। तो नाइट्रीकरण करवा रहे हैं चूंकि नाइट्रो समूह जोड़ रहे हैं तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। तो दो प्रकार के इसमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब इसमें हुआ क्या, इसकी मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज कौन सी है, तो अपन जानते हैं कि HNO3 और H2SO4 में से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है वो नाइट्रिक अम्ल की तुलना में ज़्यादा प्रबल है। तो H2SO4 से क्या मिलेगा अपने को, H प्लस, और वो किससे क्रिया करेगा, ये नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, फ्रॉम कहाँ से आया ये H प्लस, H2SO4 से, H2SO4 से आया। तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, माइनस H2O। अब ये OH है माइनस के रूप में निकला है, दोनों इलेक्ट्रॉन बंद के लेके निकला है तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, NO2 प्लस। क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसका नाम क्या है, नाइट्रोनियम आयन। इस अभिक्रिया के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है और मुख्य आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तीसरा देखिएगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, ऑर्थो समूह पे SO3H और पैरा समूह पे SO3H, और SO3H जुड़ने के बाद SO3H मुख्य समूह हो जाता है और Cl है वो प्रतिस्थापी हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये है पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और SO3H क्या है, सल्फो समूह है, सल्फोनिक अम्ल
समूह है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। अब इसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज देखिएगा क्या है, इसमें आपने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई, सांद्र H2SO4 से कराई, और कोई इसमें अभिकारक है नहीं। तो क्या होगा, H2SO4 प्लस H2SO4, या मैं यूं लिख दूं HOSO3H, है ना, ये हो गया। तो इसमें आपस में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, H2O प्लस SO3। जल कणु निकलेगा और साथ में SO3 बचेगा, देखिएगा कैसे, ये 2, ये 2 और ये दोनों हैं, यहां से H प्लस, मतलब मैं इसको भी यूं लिख दूं SO3H, और ये हो गया OH, ये H इसके OH के साथ और ये H इसके OH के साथ क्रिया करके H2 निकाल देंगे, है कि नहीं, ये H OH के साथ H2O, ये H इसके OH के साथ H2O, दो H2O हो गए और दो SO3 इससे प्राप्त हो गए। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इस पे चूंकि प्लस तो नहीं है, लेकिन सल्फर पर तीन ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की विद्युतीयता बहुत ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन सल्फर को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देगा, तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज की तरह काम करता है। तो जो SO3 है वो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो स्थिति पे आता है, तो ऑर्थो स्थिति पे आएगा तो ये ऑर्थो स्थिति से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो SO3 पे आ जाएगा माइनस, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ने पर SO3 पे माइनस आ जाएगा, और ऑर्थो और पैरा स्थितियों से जो H प्लस निकलेगा वो SO3 पर माइनस आने से इसी SO3 पर जुड़ जाएगा, ये तो समूह बन जाएगा SO3H, ठीक है, तो वैसे ही पैरा स्थिति भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिएगा दो प्रकार से है, सबसे पहले मैं देखूं एल्काइलेशन, एल्कलीकरण, मतलब आप क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पैरा स्थितियों पर एल्किल समूह जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, Cl बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बन गया क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हैं RCl से एल्किल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनेगा, R प्लस तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन और पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन और ये है पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे क्या जुड़ रहा है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इस एल्किल की जगह कोई सा भी एल्किल समूह हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल ब्यूटिल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, अपन ने एक सामान्य उदाहरण लिया है। तो बेंजीन वाले पर एल्किल समूह जुड़ा, इसीलिए तो अपन कह रहे हैं एल्किलीकरण। अब देखिए इसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है, RCl प्लस AlCl3 ये क्रिया करते हैं पहले, और इसमें ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है उसका विषमांश विखंडन होता है,
Cl माइनस के रूप में और R है वो प्लस के रूप में, तो AlCl4 तो माइनस बन गया और R पे आ गया प्लस। R क्या है, कोई एल्किल समूह है, एल्किल समूह में कार्बन पे प्लस आ गया तो मतलब है कार्बोकेटाइन, कार्ब धनाइन है ये, और ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह काम करता है, और ये R प्लस मतलब जो जहाँ से Cl हटा है उस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो वो कार्बन जाके बेंजीन वाले के ऑर्थो पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। कई बार इस अभिक्रिया में जो कार्ब धनायन है उसमें पुनर्विन्यास भी होता है, वो अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपके लिए इतना सिंपल सा है कि जिस कार्बन से आप Cl हटा रहे हैं उस कार्बन को आप बेंजीन वाले की ऑर्थो पैरा स्थितियों पर जोड़ दें। तो इसका मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है, कार्ब धनायन, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अब फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है उसी का दूसरा भाग। फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया देखिए, एक तो हो गया एल्कलीकरण और दूसरा है एसिलीकरण। फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया का ही दूसरा भाग पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, एसाइलेशन, मतलब एसिलीकरण, एसिलीकरण। देखिएगा उस अभिक्रिया से तुलना करिएगा, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं CH3COCl, वही निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, और CH3COCl क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, जहां से आप Cl हटाते हैं उस कार्बन को बेंजीन वाले की ऑर्थो पैरा स्थितियों पे जोड़ दें, तो यहां से Cl हटेगा तो ये कार्बन जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, तो देखिए C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ CH3 और प्लस ये पैरास्थितियों पे भी जुड़ेगा, और मतलब COCH3 समूह है वो बेंजीन वाले के ऑर्थो पैरास्थितियों पे जुड़ जाता है। नाम क्या है इसका, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ये वाला जो भाग है ये एसिटोफिनोन कहलाता है, एक तरह का कीटोन है ये, C डबल बॉन्ड हो एक के एक तरफ तो बेंजीन वाले है, दूसरी तरफ CH3 है, और इस बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पे है क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये हो गया पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो दो प्रकार के उत्पाद इसमें प्राप्त हो रहे हैं, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ये भी फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया ही है। अब इसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3, ये क्रिया होगी, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है उसका विषमांश विखंडन होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O इस कार्बन पे आ गया प्लस और AlCl4 माइनस बन गया, ये कहलाता है एसिटिलिनियम आयन। ये इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा स्थितियों पे जुड़ेगा। तो सभी अभिक्रियाओं में आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि इन अभिक्रियाओं में मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज कौन सा है, आप इन अभिक्रियाओं के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी एरिल हैलाइड के जो रासायनिक गुण हैं या बाकी बची हुई अभिक्रियाएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।